गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं मेरे होम टाउन रेलवे स्टेशन जो कि सैफई रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक हॉल्ट स्टेशन है और यहाँ पे अभी सिर्फ इस रूट पे अभी एक पेयर ऑफ DMU ट्रेन चलती है जो कि मैनपुरी से आगरा कैंट के लिए चलती है, जिसका इटावा में रिवर्सल होता है। तो ये जो 55 to 60 किलोमीटर का जो ट्रैक है इटावा मैनपुरी सेक्शन जो है, आप देख सकते हैं इसमें आगे थोड़ा कि ये TSS जो है ट्रैक्शन सब स्टेशन जो है यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब काफ़ी हद तक बन चुका है। और अगर इस रूट पे मास्ट के लिए जो फाउंडेशंस की बात करें तो फिर मैंने ट्रैक्स के साइड में तो नहीं देखा है कि कहीं फाउंडेशन मिली हो, लेकिन रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं तो प्लेटफॉर्म पे आप एक फाउंडेशन जो है देख सकते हैं। और आगे जाकर हम उस ट्रैक्शन सब स्टेशन को भी एक्सप्लोर करते हैं, तो देखते हैं कहाँ तक हुआ है काम, कितना पेंडिंग है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये है मैनपुरी एंड, मतलब कि अगर इस साइड अगर हम प्रोसीड करेंगे तो आगे करहल स्टेशन आएगा, उसके बाद बुझिया रेलवे स्टेशन आएगा, उसके बाद कीरतपुर रेलवे स्टेशन है और उसके बाद डायरेक्ट मैनपुरी रेलवे स्टेशन है। तो अगर हम जिस साइड से आए हैं उस साइड की बात करें तो इस साइड इटावा वाली साइड है, तो अगर इटावा की साइड जाएं तो इस साइड मिलेगा पहले बैदपुर रेलवे स्टेशन और फिर इटावा रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन इटावा से 22 किलोमीटर दूर है, मतलब अभी हम 22 किलोमीटर पॉइंट पे हम खड़े हैं। और आगे आप ये TSS देख रहे हो, मतलब इसका इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो है काफ़ी तेज़ी से, मतलब कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो कोई आसार नहीं था कि इसका इलेक्ट्रिफिकेशन कब स्टार्ट होगा क्या होगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था फेब में, तो अभी मैं आया हूँ तो देख सकता हूँ, मैंने देखा कि काफ़ी यहाँ पे प्रोग्रेस है इलेक्ट्रिफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के अंडर ये वर्क चल रहा है। तो इसके अंडर पहले तो इनकी डेडलाइन थी दिसंबर 2021 इसको इलेक्ट्रिफाई करने की, ये 55 to 60 किलोमीटर्स का जो ट्रैक है, और अब जो है इसकी डेडलाइन थोड़ी बढ़ा दी गई है क्योंकि कोविड के कारण लेबर जो है वो काफ़ी, मतलब अपने गांव अपने नेटिव प्लेसेस चली जाती है, तो इसलिए 3 महीने जो है और बढ़ाया गया है इसका टाइम पीरियड जो है, टारगेट पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है, मार्च 2022 तक इसको इलेक्ट्रिफाई करने का टारगेट दिया गया है। तो थोड़ा और आगे चल के देखते हैं TSS में कितनी प्रोग्रेस है, हालांकि हमें अंदर तो जाने नहीं दिया जाएगा और काफ़ी वहाँ पे एक दो लोग भी हैं जो देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। अगर हम व्यू और लोकेशन की बात करें तो ये आप सामने देख सकते हो, ये है सैफई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और ये जा रही है स्टेट हाईवे 83 जो कि मैनपुरी को इटावा से कनेक्ट करती है, हालांकि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, ये हम अभी इटावा डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं, ये इटावा का लास्ट स्टेशन है और यहाँ से आगे 5 to 6 किलोमीटर्स जो है नेक्स्ट स्टेशन है जो करहल रेलवे स्टेशन है, और बाकी सारे रेलवे स्टेशन जो है वो 9 to 10 किलोमीटर्स के गैप में है, सिर्फ यही 2 रेलवे स्टेशन हैं जो 5 to 6 किलोमीटर के गैप में है। तो इससे अगर थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो वहाँ से मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमें पहला फाउंडेशन मुझे देखने को मिला है, हालांकि मैंने और पूरा ट्रैक नहीं देखा है, ये मैंने फर्स्ट फाउंडेशन देखा है जो ट्रैक के साइड में है, मतलब रेलवे स्टेशन के बाद में। ये रेलवे स्टेशन देख सकते हैं आप, हम इटावा की तरफ फेस करके खड़े हैं और अब मैनपुरी की साइड, तो आप देख सकते हैं बड़े वाला जो ट्रांसफार्मर है वो लग चुका है, मतलब कि TSS का वर्क जो है ऑलमोस्ट 40% वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हाँ, और इन्होंने सारी जो फाउंडेशंस हैं वो राइट हैंड साइड बनाई हैं ट्रैक के, मतलब कि अगर इन फ्यूचर बाद में डबलिंग होती है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे, वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि स्पेस भी छोड़ी हुई है जो अपना
TSS है और इस ट्रैक के बीच में काफ़ी स्पेस है, तो हो सकता है अगर आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे डबलिंग होगी तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे वो ट्रैक जो है वो आ जाएगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो अभी कोविड के टाइम में अभी कोई भी ट्रेन इस ट्रैक पे नहीं चल रही है, क्योंकि एक बार ट्रेन अनरिजर्व्ड स्पेशल चलाई थी वही DMU, तो उसमें पुअर पैट्रोनेज थी क्योंकि अभी कोविड के कारण काफ़ी लोग डरे हुए हैं और अभी कहीं भी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसीलिए वो फिर से बंद कर दी गई है अभी। तो देखते हैं कब तक रेगुलर हो पाएगी और उसके बाद देखना होगा कि इस ट्रेन ट्रैक पे EMU ट्रेन कब स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि मार्च 2022 के बाद भी काफ़ी टाइम लगेगा अपने रेलवे को IR को रेगुलर होने में। तो फ्रेंड्स यही थे आज के इलेक्ट्रिफिकेशन के अपडेट्स, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क जो इस रूट पे चल रहा है और फ्यूचर में देखते हैं। और ये TSS का मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है, क्योंकि एक TSS जो है नॉर्मली 70 किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है, तो यहाँ पे बीच में TSS की ज़रूरत क्यों पड़ी है ये थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। या हो सकता है छोटा हो TSS ये, और या हो सकता है कि आगे जो मैनपुरी से एटा के लिए लाइन जो कनेक्शन दिया जाएगा, और या फिर मैनपुरी से शिकोहाबाद साइड जो है उस तरफ भी सप्लाई शायद यही TSS करेगा, हो सकता है। ठीक है, तो आज के यही अपडेट्स थे, तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, कीप बी सेफ फ्रॉम कोविड, अपने आप को सेफ रखिए।